करते हैं, समझे? यही खासियत है इस खाकी वर्दी की। पर तुम जैसे लोग इस खाकी वर्दी की इज्जत क्या जाने? गलती करने वाले की जान निकाल लेनी चाहिए या उसकी वर्दी उतार लेनी चाहिए? जान चाहिए या खाकी? वॉइस मेरी, चॉइस तेरी। हबीब भाई सर, नाउ पुलिस काउंट स्टार्ट। एक, दो, तीन। क्या करे क्या, इधर अपनी ही परेशानियों से दिमाग खराब हो गया है, दूसरे लोगों की परेशानियों को क्यों पाले? कुत्तों को बिस्किट डालना चाहिए, समझे? उसे बुखार हो गया बोलकर उसे टैबलेट नहीं डालना चाहिए। आज चौधरी हमें शराब पिला रहा है, हमें पैसे दे रहा है, हमसे लगाव है इसलिए नहीं, ये गलत है। वो क्या समझता है कि आज उसकी जरूरत पे हम लोग दौड़ते हैं, इसलिए हम लोगों के आगे कुत्ता समझ के बिस्किट डाल रहा है वो। पाँव में कुछ चुभ गया है शिवाजी, जरा देखना। दुखी मत हो, यहीं पड़े रहना, महीना पूरा होने पर कुछ लेके जाना, नहीं तो बीवी पास में नहीं आने देगी। कमीना कहीं का, कमीना कहीं का। कितने केसेस तेरे बंद करवाए, जितने लोगों ने तेरे पे केस किया उन लोगों को डरा कर तेरे कितने केसेस बंद करवाए मैंने, और मेरी नौकरी चाहते ही तूने मेरी मेरी तुलना कुत्ते से करता है, मेरे हाथों से अपने पाँव दबाता है। एक भी केस, अगर एक भी केस मैंने बाहर निकाला ना, तो तेरे कपड़े उतरवा कर तुझे कुत्ते की तरह रोड पे नहीं दौड़ाया तो मेरा नाम शिवाजी दे। क्या मारोगे आप? उधर पुलिस से डर रहे हो, इधर गुंडों से डर रहे हो, कैसे पुलिस वाले हो मुझे तो समझ में ही नहीं आता। उस एसपी को देखो, आके 4 महीने नहीं हुए, लोग रोज उसकी मंगल आरती उतार रहे हैं। उसके जैसे बनने के लिए नहीं बोल रही, लेकिन उनके साथ 4 कदम मिलाकर तो चल सकते हैं ना, ताकि हम भी गर्व से कह सके हम पुलिस ऑफिसर की पत्नी हैं। हाँ, वो दिन भी आएगा, तुम देख लेना। अरे गहरे के पाँव पड़ने से तो अच्छा है कि मैं उन एसपी साहब के पाँव पड़ू जो ड्यूटी के लिए अपनी जान भी देने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। उनके पाँव पड़कर मैं अपनी ड्यूटी वापस लूंगा और ड्यूटी ज्वाइन करके मैं उन्हें दिखाऊंगा। हेलो, तुम सुबह राव को इन्फॉर्म करो, तुम लोग उसके घर वालों को। लक्ष्मी, डॉक्टर, बड़ी बेरहमी से बलात्कार हुआ है, कंडीशन बहुत ही खराब है, अभी कुछ नहीं बोल सकते। क्या हुआ था? सर, रोज की तरह ऑफिस गई थी और 2 बजे जब
चन्ना का फोन आया, ठीक है, फाइल लेकर गेस्ट हाउस आने के लिए कहा उसने। एक्सक्यूज मी सर। लक्ष्मी आप। सर एक और सिग्नेचर बाकी है। सिग्नेचर फाइल पर नहीं, तेरे पे करूंगा। मुझे बच्चन दो, उसको नहीं छोड़ेंगे। और ये बात सुब्बू से मत कहना सर, मत कहना सुब्बू से। महालक्ष्मी ये बर्दाश्त नहीं कर पाए। लक्ष्मी सर इधर है। सर आप इधर हैं और मैं आपको पूरे शहर में ढूंढ रहा हूँ सर। एक खुशखबरी है सर, मेरे जैसे मामूली और गरीब हवलदार की बेटी का एक बड़े घर में रिश्ता तय होना कितने गर्व की बात है ना सर। मेरी बेटी की किस्मत कितनी अच्छी है, देखा सोलापुर का ये ऐसे है सर, उसने मेरी बेटी को कहीं देखा और मुझे फोन करके बोला कि मुझे आपकी बेटी पसंद है, फोटो भेज रहा हूँ, अपनी बेटी को दिखा दे कि उसको दहेज में एक रुपया भी नहीं चाहिए, उसे ऐसा काम मेरे से सर। मैंने कहा मेरी बेटी को पहले नहीं, पहले बेस्पी साहब को तुम पसंद आना चाहिए, तभी ये शादी हो सकती है सर। एकदम डायमंड लड़का है सर। कल तक मेरी बेटी को सब कांस्टेबल सुब्बा राव की बेटी है, कांस्टेबल सुब्बा राव की बेटी है कह के बुलाते थे सर। अब सब लोग उसे ऐसा है कि बीबी बोल के बुलाएंगे सर। क्या बात है सर। अरे ये लक्ष्मी, लक्ष्मी, महालक्ष्मी, अरे क्या हुआ तुझे, अरे 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 महालक्ष्मी, महालक्ष्मी, महालक्ष्मी। चादरी 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 चादरी। तेरा बेटा कहां पर है ये पूछने के लिए नहीं आया, तेरे बेटे को सर्च करने के लिए भी नहीं आया हूं मैं। तूने अपने बेटे को कहां छुपा रखा है ये पूछने के लिए भी नहीं आया हूं मैं। वो मुझसे जितना दूर भाग ले मौत उतनी करीब आ रही है उसके, ये मेरी तरफ से उससे कह देना। एक ईमानदार पुलिस कांस्टेबल के घर का दिया बुझाया उसने, उसे नहीं छोड़ूंगा मैं। मैं किसी से पंगा लेता नहीं, पंगा लेता हूं तो उसे खत्म करके ही रहता हूं, याद रखना तुम। सर
सर मैं जानता हूं कि मैंने गलत किया है, पर मैं गलत इंसान नहीं हूं सर। मुझे सिर्फ एक चांस दो सर, एक आखिरी चांस दो सर। वो चिनप्पा जहां कहीं भी होगा उसे लाकर आपके सामने पेश करूंगा सर। सर अगर गलती हुई ना सर तो सस्पेंड नहीं करना सर, चांस से मार डाला सर, लेकिन एक चांस दो सर, एक चांस दो सर। सर शिवाजी बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू सर। रुक, रुक, रुक। यहां पे क्यों लाया? तुझे किडनैप करने के लिए। और नहीं तो क्या? अरे यहां से जाएंगे ना तो एसपी हमें पकड़ नहीं पाएगा, तेरी सेफ्टी के लिए। भरोसा करूं? 100%। फिर ये क्या है? ये भी तेरी सेफ्टी के लिए। ये मेरी सेफ्टी के लिए, तेरे पास क्या? इसको मैं रख लेता। तो रख ले, तू अच्छा लगा तो चले। चल। तो यहाँ पर क्यों लेकर आया है? मैंने यहाँ से तेरे लिए अलग से रास्ता निकाला है। हाँ, ये इधर देख, ये ट्रक है ना, ट्रक के अंदर माल के साथ तुझे बिठा देंगे। लाइन क्लियर? ठीक है, जब तक इंतजाम होगा मैं यही टाइम पास करता हूँ। अभी होगा तेरा टाइम पास। मेरे साथ नमक हरामी करता है? चला गोली। एसपी, आज तक मुझे अरेस्ट करने वाला कोई फायदा नहीं हुआ, एक घंटे के अंदर बाहर आ जाऊंगा। क्यों करो तुम लोग? मुझे कोर्ट लेकर जाएंगे तब ना। सर आपने मुझे एक मौका देकर मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया सर, और मुझे सिखाया कि ड्यूटी क्या होती। थैंक यू सर, थैंक यू। तूने बहुत महंगी दुश्मनी ले ली हमसे और अपनी उम्र को कम कर लिया है तूने। एएसपी, कहां है मेरा बेटा? मेरा बेटा, मेरा बेटा क्या चिल्ला रहा है? क्या तूने मुझे अपने बेटे का रखवाला समझ रखा है? एएसपी, इस हरामजादे ने मेरे बेटे को तेरे हवाले किया है, ये बात मुझे अच्छी तरह से पता है। बता दे तू। तुझसे ये बात किस नालायक आदमी ने कही? ए! मेरे से सावधान रहना, बिल्ली के बच्चे को मारने जाए तो बिल्ली भी शेरनी बन जाती है, समझा तू? अगर तू सुअर के बच्चे पर भी हमला करता है ना तो सुअरनी भी अपने पंजे से किसी का भी मुंह नोच लेती है। और वैसे तू मेरे बेटे को उठाकर लाया है तो मैं एरिया में शेर की तरह जी रहा हूं।
शेर की तरह। अब तू ही बता मुझे क्या करना चाहिए। अभी तक तूने बहुत गलतियां की। मैं साहब 15 साल के बाद पैदा हुआ है मेरा बेटा, अकेला वारिस है वो। अगर उसको कुछ हो गया ना तो तेरे बचने की कोई उम्मीद नहीं होगी। मेरा बेटा कहाँ है बोलो। बोलो बोलो तो क्या निकाल कर दूं, ये बाटा का शोरूम नहीं है, यहाँ सिर्फ पुलिस के शूज हैं। यहाँ पे सिर्फ पुलिस के शूज हैं, वो भी किसी को देने के लिए नहीं, गुंडों को पांव के नीचे रखकर मसलने के लिए। मैंने एक बार कहा कि नहीं है तो इसका मतलब नहीं है। एसपी, ज्यादा हवा में उड़ मत, मुझे हवा में उड़ाकर शूट करने में बड़ा मजा आता है। एसपी, कमर में लटकी हुई अगर रिवॉल्वर तेरे पास है तो तू क्या समझता है कि तू किसी को भी उड़ा देगा? तुझे मैं बताऊंगा कि मैं क्या हूँ। 1 घंटे के अंदर मेरे बेटे को छुड़ाऊंगा और मिनटों में मैं उसके हाथों से तेरा मर्डर करवाऊंगा। कौन सा पुलिस वाला तुझे बचाएगा मैं देखता हूँ। हेलो, सुनो, आइंदा मुझे ऐसे गलत कामों के लिए फोन मत करना, मुझे कोई रिकमेंड नहीं चाहिए, समझे? फोन रखो। अरे होम मिनिस्टर के बच्चे, तू अपने आप को बहुत ज्यादा सहना समझता है। हम लोग पार्टी से नहीं हटे तो मुझको, मेरे भाई को, उसके लड़के को पकड़ने के लिए नया एसपी भेज दिया। आप क्या कह रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ड्रामा मत कर, तू हमारा कुछ बिगाड़ नहीं सका, इसलिए सीएम से मिलकर तू एसपी को हमारे एरिया में भेजा। क्या कह रहे हो, तुमसे कौन सी दुश्मनी निकालूंगा मैं, तुम कोई विरोधी थोड़ी हो, वो तो रूटीन के हिसाब से भेजा गया है, समझे? तूने रूटीन के हिसाब से भेजा, जानबूझकर भेजा, मुझे कुछ नहीं पता। एसपी मेरे बेटे को अरेस्ट करके कहता है। मैंने अरेस्ट नहीं किया है, तुझे जो उखाड़ना उखाड़ ले, इसीलिए तुम्हारे पास आए। सुनो मेरी बात, वो एसपी मेरे बेटे का एनकाउंटर न करते ये सोचकर मेरी जान निकल रही है। देखो तुम लोग टेंशन बिल्कुल मत लो, दोषी चाहे मैं हूँ, तुम हो, सीएम हो या प्राइम मिनिस्टर क्यों ना हो, मैं उन लोगों को छोड़ूंगा नहीं। देख, मैं यहाँ पर तेरी राम कहानी सुनने के लिए नहीं, या तेरे पैरों पर सर रखकर गिड़गिड़ाने के लिए नहीं, बेटे को छुड़वाने के लिए आया था। मेरे बेटे को कैसे छुड़ाना है मुझे मैं अच्छी तरह जानता हूँ। चल भाई चल यहाँ से, हम या वो, इस बात का फैसला हम करेंगे, चल यहाँ से। बहुत हो गया, हम लोग क्या है, अपने एरिया में एसपी को पता चलना चाहिए, वो खुद हमें हमारा बेटा ला कर देना चाहिए। अब मुझे ऐसा ही कुछ करना पड़ेगा। तूने कोई भी उल्टी सीधी हरकत की ना तो हमें अपना बेटा जिंदा नहीं बल्कि उसकी लाश मिलेगी, समझ में आया? अभी पूरा एरिया उस एसपी जोगिंदर के हाथ में है और तूने जरा सी भी गलती की तो छोड़ेगा नहीं, शूट कर देगा। हाँ हेलो, क्या हुआ रे, क्या हाल है? जिन्ना किसी भी पुलिस स्टेशन में नहीं है, उसे कहाँ ले जाके छुपाया होगा? ए, क्या दिमाग खराब कर रहा है, कौन हूँ कर रहा है, साइड में ले, पहले उस एम्बुलेंस को जाने दे। डैडी, भैया भैया, आपको चिन्ना की आवाज सुनाई दी? मुझे भी लगा कि उसी की आवाज है, मुझे भी अब चिंता हो रही है, कहीं वो लोग उसे मार ना डालें, अब कुछ भी करके उसे बचाना है, जल्दी कुछ करो। अरे कौन है यार, ऐसा रोड पर पीकर पड़ा है? चल उठ ले। अरे चिन्ना बेटा, अरे क्या बात, तुझे किसने किया तेरे हाल? अरे किसने मारा तुझे, बता तो सही। तुम्हारी गाड़ी के पीछे जो एम्बुलेंस थी, उस एम्बुलेंस ने मुझे कुत्ते की तरह मार रहा था। मैं छोड़ूंगा तुझे, वापस कहाँ ले जाओगे? अरे तुझे नहीं पता मेरे बेटे को इतना मारा उसने, मैं छोड़ूंगा नहीं उसको, मैं क्या हूँ बताऊंगा उसको। चल यहाँ से मेरे साथ। गुड मॉर्निंग सर। अरे संभल के चल बेटा, अरे संभल के।
एसपी, ये सब क्या है? जैन सर, मुझे सलूट नहीं जवाब चाहिए। हमारे बेटे की कुत्ते की तरह धुलाई किया तुमने। चिनप्पा, यही है क्या? हाँ यही है। एक मिनट, इंस्पेक्टर सुरेंद्र, मिनिस्टर साहब चिनप्पा को लेकर यहीं पर आए हैं। तुम उसे ढूंढने की तकलीफ मत करो सर। तुम सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचो। थैंक यू सर, हम भी इसी की तलाश कर रहे थे। अब मेरी समझ में आया कि जनता ने आपको क्यों जिताया है सर। आपको देखते हैं तो सच्चाई, इंसाफ, ये सब कुछ आपके अंदर साफ नजर आ रहा है मुझे। शिवाजी सर, हबीब भाई सर, अरे सर की सच्चाई देखो, इसे पकड़ कर अंदर डालो जल्दी। अए, क्या कर रहे हो तुम लोग? इज्जत से बात कर। पुलिस वाले को अरे वो रे करके मत भूला, वरना धुलाई करके अंदर डाल दूंगा तुझे। अरे बाप रे, निकल लेता हूँ मैं तो। वाह रे वाह, क्या बात करता है तू मेरे सामने। हम लोगों को अहरा गहरा इंसान समझ के मारेगा? बेवकूफ बने की बात मत कर तू। एसपी, तुझे अभी हमारी हिस्ट्री मालूम नहीं है और ना ही हिस्ट्री तूने देखी है, तुझे क्या पता? मैं यहाँ राजनीति में पैसा कमाने नहीं, सब लोगों के सर काटने आया हूँ। हमारी बात जो टालता है, हम लोग उसका सर काट डालते हैं, हमेशा के लिए धड़ से अलग कर देते हैं। अरे हम लोग हमारे एरिया के आधे लोगों को निकल गए और डकार तक नहीं ली। अब तूने हमसे पंगा लिया है ना, तुझे अपने एरिया से हम किसी भी कीमत पर जिंदा नहीं जाने देंगे। 56 एनकाउंटर और 24 ट्रांसफर, 20 इंक्वायरी कमीशन और 2 प्रमोशन तथा 30 इंक्रीमेंट लिया है मैंने। आईएएस से लेकर पुलिस के जितने अवार्ड होते हैं सब जीते हैं मैंने। देश की सेवा करने के लिए सारे के सारे मेडल मिले हैं मुझे। एक रिवॉल्वर के अंदर अगर 10 छेद होते हैं गोली डालने के लिए, तो इस दिल के अंदर 15 छेद हैं। और उन गोलियों को भी आगे बढ़ने के लिए हिम्मत नहीं हुई मेरे अंदर, वहीं रुक गई मेरे सीने के अंदर। मौत से लड़कर यमराज का सामना करके 5 बार वापस आया हूं मैं। 10 साल मैंने नौकरी की है और 30 साल अभी भी मेरी नौकरी बाकी है। ड्यूटी के लिए किसी को भी मार सकता हूं और चाहूं तो मर भी सकता हूं। इससे ज्यादा तू कर ही क्या सकता है? इसकी स्टोरी सुनने से ना कोई फायदा नहीं होने वाला है। चलो चल के बेल के लिए अप्लाई करते हैं। कल शनिवार है, परसों इतवार है और तरसों त्योहार है, और तब तक तुम लोग जो भी करोगे सब बेस्ट है। डैडी ये क्या बोल रहे हैं इंस्पेक्टर, जब तक तो बात डालेगा ये। ए एसपी, ए मुझे 2 ही बातें पता है, पहले हिंदी में जोर से बोलने का, फिर इंग्लिश में एनकाउंटर करने का। हिंदी या इंग्लिश, च्वाइस मेरी च्वाइस तेरी। हबीब भाई, एक, दो, तीन। हिंदी। चिन्ना, मेरा बेटा होकर डरता तू? कबूल नहीं करेगा तो क्या करेगा? पहले ही देखो ना इसका कितना जूस निकल चुका है। इधर 2-4 दिन और रहेगा ना तो डबल जूस लोग निकाल देंगे। अच्छा चुप बैठ। और चिन्ना तू फिकर मत कर, मैं हूँ ना, सबको देख लूंगा। इसको कैसे छुड़ाना है मुझे मालूम है, और इसका भी क्या करना है मुझे अच्छी तरह पता है। चलो एसपी साहब, मेरे को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है, मैं बिल्कुल हिंदुस्तानी हूँ। प्योर हिंदुस्तानी हूँ मैं, हिंदुस्तानी, मेरा घर वाला हिंदुस्तानी। मेरा देश महान, भारत देश महान। इंग्लिश बेकार, हिंदी अच्छी है बिल्कुल। जाता हूँ। आज से आपके मोबाइल का यही रिंगटोन होगा। फिर से सुनो, फिर से सुनो। गुड मॉर्निंग ऑफिसर, मैं आपकी दूसरी पत्नी हूँ, फोन उठाइए प्लीज, फोन उठाइए। ये कैसा रिंगटोन लगाया है तुमने, फोन उठाओ फोन उठाओ, अच्छा नहीं है ये। ऐसा वैसा रिंगटोन नहीं है ये, जब मैं इस फोन से करूंगी तो ही ये रिंगटोन सुनाई देगी, दूसरे किसी फोन से नहीं सुनाई देगी। बाप रे बाप, मुझे वक्त दो माँ। जल्दी करो, ऑफिस के लिए टाइम हो गया है। क्या हुआ, दिखाओ दिखाओ दिखाओ। हाथ में कुछ गिर गया। छोड़ो मुझे प्लीज। चौधरी साहब की सिर्फ एक ही कमजोरी है, वो है उसका बेटा। वो अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता है, कोर्ट वोर्ट कुछ मायने नहीं रखता उसके लिए। कोर्ट के अंदर बाहर हमें पूरी सावधानी से रहना पड़ेगा। अगर कोई भी जरा सी भी होशियारी करे तो उसे शूट कर दो विदाउट माय परमिशन। मॉर्निंग ऑफिसर, मैं आपकी पत्नी हूँ, फोन उठाइए, फोन उठाइए। सर फाइल के नीचे है मोबाइल। पत्नी हूँ, फोन उठाइए।
प्लीज फोन उठाइए। सुना तुम लोगों ने? सुना सर, रिंगटोन बहुत अच्छी थी। मैडम की आवाज थी ना सर? दुर्गा, दुर्गा, मेरी किस्मत कहां पर हो? तुम्हारा पति आया है। दुर्गा, गुलाब जामुन आकर आकर। हाउ इज इट? बहुत मीठा है। स्पेशल क्या बात है? आप ही बताओ। अरे बोलना पकड़ना, ये सब घर के बाहर ऑफिस में है, वो यहाँ पर नहीं। मैं ही बोलू क्या? प्लीज 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 बोलो ना। लड़का या लड़की? लड़का या लड़की? थैंक यू स्वीट हार्ट, आई लव यू। मुझे अरे बाप रे, आपको इतनी बड़ी खुशी क्यों हुई? इससे बड़ी खुशी की बात और क्या हो सकती है मेरे लिए। लेकिन सुनो, आज के बाद तुम इस घर का कोई भी काम नहीं करोगी, मैं करूंगा। ओके? मम्मी के लिए इमली गैरी लाने के लिए बोल रहा है। वो तो मैं सीरियल के बारे में बोल रही थी। सीरियल में? लड़का या लड़की ऐसा क्यों बोला? अरे वो तो सीरियल का नाम है। सीरियल का नाम है? देखो आइंदा मुझे ये सीरियल का टेंशन दिया ना, तो पूरे सीरियल को उठा के घर के बाहर फेंक डालूंगा और इस टीवी को कबाड़ी के हाथ बेच दूंगा। मेरी समझ में नहीं आता तुम्हें टीवी का भूत चढ़ा कैसे। हेलो, दुर्गा चौधरी इधर आया था क्या? हाँ वो आया था। डर गई तुम? डरने की जरूरत नहीं, ये सब मेरे आदमी हैं, मुझे चौधरी कहते हैं लोग। यमराज आता है तो डरते नहीं सब। चौधरी आने वाला है सुन के पसीने छूट जाते। 15 सालों से इस स्टेट को, इस एरिया को अपनी मुट्ठी में रखा हूं मैं, मुट्ठी में। पर अभी तुम्हारा पति मुझे बहुत टेंशन दे रहा है, मुझे बहुत टेंशन। मेरे बेटे के पीछे पड़ गया, उसको भी पकड़ लिया, उसको नहीं छोड़ूंगा ऐसा बोला। अगर सोचो मैं तुम्हारे सिंदूर मिटा दूं तो क्या होगा? डरो नहीं, मैं ऐसे ही बोल रहा हूं, सोचना कितना मुश्किल है। इसीलिए मैं भी कितनी मुश्किल में पड़ गया हूं। 5 साल के रिश्ते के बारे में सोचो तो तकलीफ होती है तुमको। तो सोचो मेरा बेटा जो 15 साल के बाद पैदा हुआ, वो मेरा इकलौता बेटा है। वो तुम्हें सफेद साड़ी जरा भी सूट नहीं होती, तुम्हें हर वक्त महालक्ष्मी की तरह रहना चाहिए। छोड़ दो बोलो उसे, तुम्हारे घर कोई औरत नहीं जो तुम्हें सफेद साड़ी दे सके। तुम अपने पति से लड़ झगड़ कर किस तरह उसे मनाती हो मुझे कुछ नहीं पता। कल मेरे बेटे को छोड़ रहा ये बोलकर सिर्फ एक फोन ही करवा देना उससे, फिर तुम्हारे सुहाग की 100 साल की गारंटी मेरी ये चौधरी की जुबान है। कल फोन नहीं आया तो चौधरी क्या चीज है? ये चौधरी क्या चीज है तुझे पता चल जाएगा। अरे वो ऐसा धमकी दे रहा था जैसे मुझे सफेद साड़ी पहना देगा वो। मुझे उस वक्त डर लगा, डर इसलिए नहीं लगा कि वो कुछ करेगा, डर इसलिए लगा कि तुम यहाँ पे आओगे और इंग्लिश में एनकाउंटर करके चले जाओगे। सच में तुम्हें डर नहीं लगा? नेवर, मैं टीवी सीरियल देखकर रोती हूँ तो तुमने सोचा क्रिमिनल देख के डर जाऊंगी मैं, ऐसा मत सोचो। आखिर मैं कौन हूँ ये पता है तुम्हें? कुछ बता सकते हो क्या? द ग्रेट योगेंद्र एसपी की बीवी हूँ मैं। दुर्गा हुँ? तुम्हें देखकर पता है क्या लगता है मुझे? क्या लगता है बोलो? मुझे अपनी पहली बीवी की ड्यूटी को छोड़कर अपनी दूसरी बीवी के साथ रूम के अंदर जाकर ड्यूटी करने का दिल कर रहा है। छी, बदमाश। क्या सर, आपने तो कहा था कि फोन आएगा और वो डर जाएगी। इनकी धमकियों को उस ऑफिसर की बीवी ने अपने घर के कचरे के डिब्बे में डाल के रख दिया है। ए मिनिस्टर, मुंह बंद कर,
उसने कान बंद कर दिया, आपने मुंह बंद करवा दिया, अब बाकी लोग क्या क्या बंद करवाएंगे? अरे जो भी बंद करवाना है बाद में बंद करवाना, पहले ये सोचो कि इनके बेटे को कैसे छुड़ाया जाए। ए वकील के बच्चे, हम क्या सोचे सर? हम तुझे सोचने के लिए लाखों रुपया देते हैं, सोचेगा तू? सर लेकिन सोचेगा सर, सर सर इसको छोड़ दीजिए, बैठ जाइए सर, बैठिए ना। अरे वकील कुछ अक्ल नहीं है तेरे पास? आइडिया देने के बदले तू हमसे आइडिया मांग रहा है? अबे जल्दी से सोच के बता दे उसको निकाला कैसे जाए, समझा? बस एक ही तरीका है सर। क्या है वो? पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलना पड़ेगा, मतलब डॉक्टर को खरीदना पड़ेगा। हाथ जोड़कर उससे रिक्वेस्ट करो, अगर नहीं माने तो उसके हाथ वही काट डालो। तुम किस रुख में जाते हो, क्या करते हो, मुझे कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। मेरा बेटा मुझे निर्दोष बाहर निकालना है। जाइए जाइए। सभी दवाइयाँ समय पे लेते रहिएगा। डॉक्टर साहब कैसे हो तुम? कौन हो तुम लोग? कौन हो तुम लोग? ये कमजोर आप दवाई नहीं लेते क्या? ए डॉक्टर साहब का दिल नहीं धड़क रहा है। अरे दिल आगे नहीं पीछे होता है, ऐसा क्या? अरे ये क्या हो रहा है? क्या पागलपन है? नॉनसेंस, साइंस तूने पढ़ा है ना, हमें क्यों बोल रहे हो? अरे डॉक्टर साहब बड़े कमजोर हो गए हैं, इन्हें ले चल के लिटाओ। अरे नारायण 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 नारायण। मेरा नाम नारायणी, मेरा नाम गोविंद राव है, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? घबराओ मत, छोटा सा ऑपरेशन है। ऑपरेशन? डरो मत, डरो मत, छोटा सा फ्री ऑपरेशन करेंगे हम लोग, सो जाओ और उसकी पूरी दवाई तुम ले लेना। अरे दादा अन्ना, पेट में दर्द होता है तो क्या दवाई लेते हैं? पूरी रम की बोतल लेते हैं। तुम लोग मुझे क्यों परेशान कर रहे हो? आखिर तुम लोगों को चाहिए क्या? हम जो कहेंगे तू करेगा? रेप करोगे? मेरे से नहीं होगा। मर्डर करेगा? मेरे से नहीं होगा। तू बलात्कार करेगा? इस उम्र में मेरे से बलात्कार कहाँ होगा? तुम लोग मुझे छोड़ दो प्लीज। इसे किसी भी तरह से कुछ समझ नहीं आ रहा है, इसमें कोई चीज की कमी रह गई है। अरे भाई इसके पास दिमाग नहीं है। ये बात करेक्ट बोला तू, ऑपरेशन करके देखते हैं इसके पास दिमाग है कि नहीं। तुम लोग जो भी बोलोगे मैं करूंगा, प्लीज मुझे छोड़ दो। वो क्या है ना, हमारे चिनप्पा साहब ने थोड़ी सी शराब पी ली, लड़की का रेप कर दिया और वो लड़की मर गई, तो अभी लड़की ने खुद को मारकर खुदकुशी कर ली, ऐसा सर्टिफिकेट देना है। ये नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हरगिज़ नहीं कर सकता। अरे बोलते ही करता तो तू डॉक्टर क्यों होता, हमारे जैसा गुंडा ना होता? अरे इसका ऑपरेशन तो करना ही पड़ेगा, एक्शन स्टार्ट। प्लीज मुझे छोड़ दो, तुम लोग जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगा। हाँ तो एसपी साहब, लक्ष्मी जिस दिन मरी थी उस दिन हॉस्पिटल से क्या फोन आया था? फोन आया कि लक्ष्मी का बलात्कार हो गया है और वो जिंदगी और मौत से लड़ रही है। जिंदगी और मौत से लड़ रही है, पॉइंट नोट किया जाए जज साहब। तो लड़की जिंदगी और मौत से लड़ी थी, क्या आपको ये नहीं पता कि कोई भी कदम उठाने से पहले मजिस्ट्रेट का परमिशन लेना जरूरी है? सर वो लड़की बहुत अच्छी थी, हमारे हेड कांस्टेबल सुभा राव की बेटी थी। उस वक्त मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे क्या करना चाहिए, मुझे बस उसकी चिंता थी, मुझे सेकंड थॉट कुछ भी समझ में नहीं आया। आप भी कमाल करते हैं एसपी साहब, 10 साल से आप एसपी हैं और आपको अपनी ड्यूटी याद नहीं थी। सर इस पॉइंट को नोट किया जाए। हाँ तो एसपी साहब, लक्ष्मी ने मरने से पहले आपसे क्या कहा? चिनप्पा ने उसका रेप किया है, उसने कहा उसे सजा दिलवाना, उसने मेरे हाथ पर हाथ रखकर मुझसे कसम ली जज साहब। पर मेरे क्लाइंट का ये कहना है कि उस रात उसके पेट में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था जिसके कारण कि वो एडमिट था, जहाँ उसका ट्रीटमेंट चल रहा था, ये हॉस्पिटल की रिपोर्ट है जज साहब। नो सर, ये सब झूठ है, ये एक रचा हुआ नाटक है सर। यस, ये सब झूठ है, ये नाटक है। लेकिन ये क्या है तुम्हें पता है? दरअसल में लक्ष्मी का रेप ही नहीं हुआ, लक्ष्मी ने नींद की गोली खाकर खुदकुशी की है, ये डॉक्टर की रिपोर्ट है जज साहब। और गवाहों के बयान के बाद कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि चिनप्पा पर लगाए गए सारे इल्जाम बेबुनियाद है, लिहाजा कोर्ट चिनप्पा को बाइज्जत बरी करती है। भाई इस आदमी ने आपके साथ नमक हरामी किया है, छोड़ना नहीं इसे। छोड़ूंगा नहीं, जान से मार देना भाई। जब तक मैं तुझे जान से मार नहीं दूंगा, सुन, तब तक मैं दारू और छोकरी को नहीं छूंगा। एसपी देखा तूने मेरे बेटे को मैंने कैसे बाहर निकाला, कैसा है मेरा पावर? अब ये क्या बोलेगा सर, कोर्ट के अंदर जो शॉक लगा उससे इसका दिमाग काम करना बंद कर दिया।
अरे बाप रे ऐसे मत देख, वरना मैं डर के मारे मर जाऊंगा। सुनो जी, खाना चार बार गर्म कर चुकी हूँ मैं, फिर से ठंडा हो जाएगा। मुझे भूख नहीं है, तुम खा लो। खाने से क्या दुश्मनी है, आओ ना खाना खा लो ना। दुश्मनी? मुझे किससे दुश्मनी है? तुमने मेरी ड्यूटी को पहली बीबी, अपने आप को दूसरी बीबी कहती हो, मेरे सारे दुखों को अपने सीने के अंदर छुपा कर हर दम मुझसे प्यार से बात करती हो तुम। दुश्मनी और तुमसे? कोर्ट के अंदर केस हार कर, आग के अंदर आंसू लेकर वो सुब्बा राव घर चला गया, उससे दुश्मनी? छोटी बहन जैसी लड़की जिसने मेरे हाथ में राखी बांधी, इसी हाथों पर हाथ रखकर उसने मुझसे वचन लिया, तब भी मैं कुछ नहीं कर पाया, क्या उससे है मेरी दुश्मनी? मैंने उसको वचन दिया था, हाँ यही सब मेरे दुश्मन थे, मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर पाया, कुछ भी नहीं कर पाया। गरीबों को न्याय दिलाना अगर गलत है तो गलत करने वाला चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, उसे सजा दिलवाना बिल्कुल सही है। रिश्वत ले लेकर यह दुनिया रिश्वतखोर हो गई। तुम जो मुझे पानी देती हो उसमें भी मुझे सुभा राव के आंसू नजर आते हैं, तुम जब मुझे खाना खिलाने जाती हो तो उसमें भी मुझे उस मासूम लड़की का चेहरा नजर आता है, मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा हमेशा घूमता रहता है। बोलो क्या मैं अभी भी खाना खाऊं? मेरे लिए मेरी ड्यूटी ही मेरी जान थी, फिर भी जज ने मुझे ही वार्निंग दी। चौधरी के डर के मारे उस डॉक्टर ने झूठी रिपोर्ट तैयार कर दे दी, तुम्हें पता है वो सरकारी झूठा लॉयर। माय फुट सॉरी दुर्गा, सॉरी। मुझे माफ कर दो दुर्गा, मुझे माफ कर दो प्लीज प्लीज। कुछ देर के लिए मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे अकेला छोड़ दो। मेरा रिजिग्नेशन लेटर है सर। किस लिए सर? मेरी मासूम सी बेटी का बलात्कार हुआ और मेरे ड्यूटी पर रहने के बावजूद मैं उसे सजा नहीं दिला सका सर। अपनी बेटी के कातिलों को सजा नहीं दिला पाया तो ये टोपी, ये बेल्ट, ये लंबी बंदूक किस लिए सर? मैं ड्यूटी किस लिए करूं? मुझे ड्यूटी नहीं करना है, मुझे जीना नहीं है सर, मेरी पत्नी को जीना है सर। जिस दिन से मेरी बेटी मरी उस दिन से वो भी एक जिंदा लाश हो गई। लोग मुझे बोलेंगे अपनी बेटी के कातिल का एक कुछ नहीं उखाड़ सका तो ड्यूटी क्यों करूं? लोग मुझ पे थूकेंगे सर, इसलिए मैं इस नौकरी को छोड़ देना चाहता हूं सर, छोड़ देना चाहता हूं सर। बेटी के मर जाने के बाद किसी तरह से तो जी लूंगा, बेटी के कातिलों को सजा नहीं दिला पाए तो ये वर्दी बन के नहीं जी पाऊंगा, ड्यूटी नहीं कर सकूंगा सर, नहीं कर सकूंगा। सुब्बा राव क्या बात कर रहे हो, जिसने गलती की है उससे सजा नहीं मिली तो क्या तुम ड्यूटी छोड़ दोगे? जब हवा चलती है तो दिए बुझते हैं, सितारे नहीं। हम सितारे हैं, हवाओं से हमें डर नहीं, इसलिए हमारे कंधे पर लगाया गया है। तुम्हें न्याय जरूर मिलेगा, कब कैसे ये मैं तुझे अभी नहीं बोलूंगा, मैं तुम्हें न्याय दिलाकर रहूंगा। तुम्हें मुझ पर भरोसा है तो रेजिग्नेशन लेटर फाड़ दो, नहीं तो वहां पर रखकर चले जाओ।